वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे जीके के 10 इम्पॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन हैं? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुनार मिडरल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोयंबटूर को। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 5, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान का नाम बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानसिनराम। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉल झील। क्वेश्चन नंबर 7, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 7, 20 बॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9। क्वेश्चन नंबर 8, आइस हॉकी खेल परिसर कहलाता है? आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्लियर है कि आइस हॉकी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिक। रिक, आइस हॉकी के खेल परिसर को रिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईसीसी पुरस्कार। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, हीरोइन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, कर दिए हैं तो धन्यवाद, और आई बटन पर क्लिक करके आप और भी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपने यदि एक भी वीडियो का शेयर नहीं करे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जो करेंगे उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।